प्यारे बच्चों, जय श्री कृष्णा, गुड मॉर्निंग। देखिए, हम पढ़ रहे थे एक्सरसाइज नंबर 8, जिसमें हम 14 तक क्वेश्चन कर चुके थे। अब हम आज आगे के क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिएगा एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 15। एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने का कॉन्सेप्ट क्या था कि सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ के डायग्राम बनाइएगा, डायग्राम बनाने के बाद में समकोण त्रिभुज सेलेक्ट कीजिएगा कि इसमें कितने समकोण त्रिभुज हैं। उसके बाद में समकोण त्रिभुज सेलेक्ट करने के बाद उस समकोण त्रिभुज में देखिए कौन सी भुजा गिवन है, कौन सी भुजा अपने को ज्ञात करनी है। तो दिए गए कोण के लिए उन दोनों भुजाओं में रेशियो देखेंगे, कौन से त्रिकोणमितीय अनुपात में आ रहा है वो त्रिकोणमितीय अनुपात वाला फॉर्मूला लगा देंगे और आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो देखिएगा क्वेश्चन में लिखा है किसी स्तंभ की चोटी का उन्नयन कोण। क्वेश्चन को पढ़िए, पहले डायग्राम बनाते हैं। देखिएगा ये कोई स्तंभ है, नाम दे दिया इस स्तंभ का मैंने ए बी। अब ये स्तंभ है कहाँ? जमीन पर। ओके, क्वेश्चन में बोला किसी स्तंभ की चोटी का, ये स्तंभ है ए बी, तो यहाँ तो इसका शीर्ष या चोटी है, ये इसका आधार है। चोटी का उन्नयन कोण समतल पर स्थित एक बिंदु से, मान लो ये है समतल पर स्थित एक बिंदु, ये ले लिया, समतल पर एक बिंदु है, इस बिंदु से 15 डिग्री है। इस स्तंभ के शिखर का, ये शिखर है, इस शिखर का समतल पर स्थित एक बिंदु से, मान लिया इस बिंदु को नाम दे दिया मैंने सी, इस बिंदु से उन्नयन कोण बताया इसका कितना है बेटा, 15 डिग्री। तो ये कोण है, ये 15 डिग्री है। ओके, इस लाइन से इतना डायग्राम बना। अब देखिएगा स्तंभ की ओर 100 मीटर चलने पर इस बिंदु से स्तंभ की तरफ जाना है, कितना जाना है 100 मीटर। मान लो यहां चल के आ गए, इस बिंदु को नाम दे दिया बेटा मैंने डी, तो यहां से लेकर के यहां तक की दूरी कितनी है 100 मीटर। समझ पाए मेरी बात को? इस बिंदु से स्तंभ की ओर कितना चलना है 100 मीटर, तो यहाँ से चले 100 मीटर, मान लो यहाँ पहुँच गए, तो ये 100 मीटर हो गई। इस बिंदु से इसका उन्नयन कोण कितना हो जाता है 30 डिग्री, शिखर का उन्नयन कोण हो जाता है 30 डिग्री। तो ये वाला एंगल है बेटा 30 डिग्री का। ओके, तो अब बोल रहा है स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए स्तंभ की ऊंचाई, स्तंभ यही है ए बी, मान लेते हैं स्तंभ की ऊंचाई कितनी है एच, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये ऊंचाई हमने h मान ली, लिख देंगे, माना स्तंभ की ऊंचाई जो कि अपने को ज्ञात करनी है, स्तंभ की ऊंचाई h मीटर है, मतलब अपने को h का मान ज्ञात करना है। इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं, मैं दोनों तरीकों पे बात नहीं कर रहा हूँ, इस क्वेश्चन को करने का जो सिंपलेस्ट वे है उस पे बात कर रहा हूं। देखिएगा अगर हम समकोण त्रिभुज की बात करें तो ये बी जो कोण है ये 90 डिग्री का है, क्योंकि स्तंभ भूमि पर है, परपेंडिकुलर लंबवत ही है। अब देखिएगा अपने को ए बी ज्ञात करनी है, डी सी दी हुई है, बी डी अपने पास नहीं है। प्यारे बच्चों, मैं एक प्रमेय के बारे में आपको अवगत करवा दूं। मान लो ये कोई त्रिभुज है, नाम दे दिया इसका ए बी सी। अगर मैं इस त्रिभुज की बी सी भुजा को आगे बढ़ाऊं तो यहाँ एक बहिष्कोण बनेगा, और ये बहिष्कोण किसके बराबर होगा? अंतराभिमुख कोणों के योग के बराबर होगा। मतलब ये जो बहिष्कोण बना हुआ है, इसके इस तरफ जो कोण बना है, इसके सम्मुख जो ये दोनों कोण हैं, इन दोनों कोणों के योग के बराबर ये कोण होगा। मान लो ये 30 डिग्री का है, ये 90 डिग्री का है, मान लो तो 30 और 90 कितने हो गए 120, तो ये जो बहिष्कोण है ना ये होगा 120 डिग्री का। समझ पाए मेरी बात? अब सुनना, अगर ये वाली थ्योरम इस डायग्राम में हम यूज करें तो देखिएगा ये त्रिभुज है एक, कौन सा त्रिभुज? ए डी सी त्रिभुज, देख रहे हैं आप ए डी सी त्रिभुज को। इस ए डी सी त्रिभुज में ये वाला एंगल देखिएगा 30 डिग्री है, डी सी भुजा को इधर बढ़ाया तो ये बहिष्कोण बना,
ये बहिष्कोण कितने डिग्री का है? 30 डिग्री का। डियर स्टूडेंट, ये बहिष्कोण किसके बराबर होगा? इसके अंदर जो ये कोण बना हुआ है, इसके सम्मुख दोनों कोणों के योग के बराबर होगा। तो ये वाला कोण और ये वाला कोण, इन दोनों का योग कितना होगा? 30 डिग्री होगा। तो ये वाला 15 डिग्री है, तो डियर स्टूडेंट ये वाला कितने का बचा फिर? 15 डिग्री का। अब देखिएगा, डी सी 100 है तो ए डी कितनी होगी? आपको पता है जिस त्रिभुज में दो कोण बराबर हो, मान लो ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर है, तो फिर ये समद्विबाहु त्रिभुज होगा। क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है, दो कोण बराबर होते हैं, दो भुजाएं बराबर होती हैं। तो यहाँ देखिएगा, ये 90 डिग्री 15 डिग्री का कोण, ये 15 डिग्री का कोण, दैट मीन्स डी सी भुजा और ए डी भुजा आपस में क्या है? बराबर हैं। ये 100 मीटर है, तो ये भी कितनी होगी? 100 मीटर होगी। समझ पाए मेरी बात को आप? तो मैं लिख सकता हूँ क्या कि कोण ए डी बी, ये वाला कोण कितने डिग्री का है? 30 डिग्री है, जो कि त्रिभुज ए डी सी का बहिष्कोण है, जो कि त्रिभुज ए डी सी का बहिष्कोण है। ओके, अतः है आप क्या लिखेंगे? कोण ए डी बी किसके बराबर होगा? कोण डी ए सी, कोण डी ए सी प्लस कोण डी सी ए, कोण डी सी ए, इन दोनों के योग के बराबर ही तो होगा। तो अपने को कोण डी ए सी निकालना है। कौन सा कोण? डी ए सी, ये वाला कोण हमने वैसे लिखा है, ज्ञात नहीं था, ज्ञात किया है इसको ऐसे। तो ए बी, ए डी भी कितने डिग्री का है? 30 डिग्री का। कोण डी ए सी अपने को ज्ञात करना है, और प्लस ये वाला कोण कितने डिग्री का है? 15 डिग्री का। तो डियर स्टूडेंट्स देखिएगा, 15 डिग्री का यदि मैं पक्षांतरण कर दूं, तो इधर क्या बचेगा? कोण डी ए सी बचेगा, और 30 माइनस 15 करेंगे तो कितने डिग्री का आएगा? 15 डिग्री का, जो कि हमने लिख दिया है। अब हम लिख सकते हैं क्या कि कोण ए बराबर कोण सी है। कोण ए किसके बराबर है? कोण सी के बराबर है। कौन से त्रिभुज की बात चल रही है? ए डी सी त्रिभुज में। यहाँ लिख देंगे त्रिभुज ए डी सी में क्या हुआ? कोण ए बराबर है कोण सी के। तो मैं लिख सकता हूँ त्रिभुज ए डी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है? समद्विबाहु त्रिभुज है। अतः है इसकी दो भुजाएं बराबर होंगी। कौन कौन सी भुजा? AD भुजा बराबर होगी DC के। अब DC क्वेश्चन में गिवन है 100 मीटर है, तो AD भी कितनी होगी? AD बराबर लिख देंगे 100 मीटर। बात समझ में आई इतनी? अपने को AD ज्ञात हो गया। अब देखिएगा, अब इस समकोण त्रिभुज में आ जाइए आप, त्रिभुज ABD में ये अपने को ज्ञात करना है, ये अपने को दिया गया। तो देखिए लंबकरण आधार में क्या क्या दिया गया आपको? 90 डिग्री के सामने वाली भुजा करण है, इसका मतलब करण हमने ज्ञात कर लिया। कितना है? 100 मीटर। ओके, तो करण गिवन है इसमें। अब 30 डिग्री के सामने वाली भुजा ये लंब है, ठीक है, लंब अपने को ज्ञात करना है, करण अपने को दिया गया है। तो 30 डिग्री कोण के लिए लंब और करण में रिलेशन कौन से त्रिकोणमितीय अनुपात में होता है? साइन में। तो देखिएगा त्रिभुज ए बी डी में कोण बी बराबर 90 डिग्री का है, कोण डी बराबर 30 डिग्री का है। तो लिखेंगे साइन 30 बराबर लंब बट्टा करण, तो लंब कितना है? एच बट्टा करण, करण कितना है? 100। समझ में आई बात? तो साइन 30 का मान कितना होता है? 1/2 बराबर एच अपॉन 100। अब देखिएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 2h बराबर 100 की 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा बेटा? 100। तो h बराबर क्या आएगा? 100/2 बोले तो 50 मीटर। बोल सकते हैं हम स्तंभ की ऊंचाई कितनी है? स्तंभ की ऊंचाई h बराबर 50 मीटर है। ये अपना आंसर है। ये इस क्वेश्चन का सिंपलेस्ट वे है। उतारिएगा फटाफट, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब देखिएगा एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 16।
बेटा यदि आपको कोई प्रॉब्लम आती है किसी भी लाइन में, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, बता देना कि सर इस क्वेश्चन में हमें ये प्रॉब्लम हुई है, मैं तुरंत उसका सॉल्यूशन आपको उपलब्ध करवाऊंगा। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 16, बस जरूरत है आपको मेरे साथ जुड़ने की, और मेरे साथ जुड़ने के लिए सिंपल सी बात, आपको क्या करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, जिससे कि मैं जैसे ही वीडियो अपलोड करूं आपको उसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए, और वीडियो को देखने के बाद में लाइक और शेयर जरूर करिएगा, ठीक है, ये काम करना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 16 बोला गया, एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया, खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है, जबकि सूर्य का 49 कोण, सूर्य का 49 कोण 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो, ये क्वेश्चन है। तो देखिए बेटा, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ के डायग्राम बनाएंगे। क्या बोला क्वेश्चन में, एक समतल जमीन पर मीनार की छाया, मतलब ये जमीन है, ओके, इस जमीन पर ये कोई मीनार है, नाम दे दिया बेटा मीनार का ए बी। समतल जमीन पर खड़ी मीनार, तो इस समतल जमीन पर ये मीनार खड़ी है ए बी, इस मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है, जबकि सूर्य का 49 कोण 60 डिग्री से घटकर कितना हो जाता है, 30 डिग्री। मान लो इधर सूर्य है, इधर सूर्य है, तो इस मीनार की छाया इधर ही होगी फिर। तो सब पहले तो 49 कोण कितना था, 60 डिग्री, मान लो यहां था, ये यूनियन कोण पहले तो था 60 डिग्री, ठीक है। अब बोल रहा है 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है, क्या छाया, पहले छाया यहां तक थी, अब 40 मीटर बढ़ गई, 40 मीटर और हो गई, बढ़ गई, कब, जब सूर्य का उन्नयन कोण कितना हो जाता है, 30 डिग्री हो जाता है, ये 30 डिग्री हो गए। तो अपने को बोल रहा है मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। देखिएगा मीनार की ऊंचाई अपने को ज्ञात करनी है, तो मीनार की ऊंचाई को हम मान लेते हैं बेटा h, ओके, लिख देंगे हम, माना मीनार की ऊंचाई एच मीटर है, समझ पाए मेरी बात को आप। ये बी कोण कितने डिग्री का है बेटा, 90 डिग्री का, ये सेम क्वेश्चन है वही, फिर से देखिएगा उसी क्वेश्चन को, 15 वाला क्वेश्चन था ना, सेम डायग्राम है, देख सकते हैं आप, एंगल अलग अलग है। अब देखिएगा इस त्रिभुज में हम क्या अप्रोच लगाएंगे, ए बी, इस बिंदु को नाम दे दिया सी, इस बिंदु को नाम दे देते हैं हम डी, अपने को इस मीनार की ऊंचाई ही ज्ञात करनी है। तो देखिए त्रिभुज ए डी सी में, देख रहे हैं त्रिभुज ए डी सी में आप, क्या कि ये बहिष्कोण है ना, और ये बहिष्कोण किसके बराबर होगा, अंतराभिमुख कोणों के योग के बराबर होगा, ये 30 डिग्री का है
और ये कितने का भी होगा, इन दोनों के योग के बराबर ये कोण होगा। तो ये 60 डिग्री है और एक कोण दिया है 30 डिग्री का, तो ये कोण भी कितने डिग्री का होगा बेटा, 30 डिग्री का होगा। समझ में आई मेरी बात? अब मैं बोल सकता हूँ क्या कि त्रिभुज ए डी सी है ना, वो समद्विबाहु त्रिभुज है और समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजा बराबर, तो इसकी कौन सी भुजा बराबर होगी, एक तो डी सी और एक ए डी। तो डी सी तो 40 है ना, डी सी 40 है तो ए डी भी कितनी होगी बेटा, ये भी 40 ही होगी, ये 40 हो गई। अब अपने को ये कर्ण मिल जाएगा और ये लंब है, वही क्वेश्चन है। देखिएगा मैं लिख सकता हूँ त्रिभुज ए डी सी में क्या ए डी बी बहिष्कोण है, कोण ए डी बी बहिष्कोण है। और ये बहिष्कोण है तो मैं लिख सकता हूँ कोण ए डी बी, ये वाला कोण, ये वाला कोण किसके बराबर होगा, कोण ये ज्ञात नहीं है फिलहाल अपने को, समझाने के लिए मैंने बताया था, किसके बराबर होगा ये 60 डिग्री, डी ए सी कोण के और डी सी ए कोण के योग के बराबर होगा। तो मैं लिख दूंगा कोण डी ए सी प्लस कोण डी सी ए। क्वेश्चन को इजी वे में करने का तरीका है ये, अन्यथा क्वेश्चन को आप करेंगे तो कम से कम डेड प्रश्न में जाएगा ये क्वेश्चन। तो इन दोनों कोणों के योग के बराबर लिख दिया। अब ये वाला कोण तो दिया है अपने को डी सी ए 30 डिग्री, तो यहाँ 30 डिग्री लिखेंगे, यहाँ 60 डिग्री, 60 डिग्री बराबर कोण डी ए सी प्लस 30 डिग्री। तो यहाँ से देखिएगा डी ए सी कोण ज्ञात कर लेते हैं, डी ए सी ये वाला कोण ज्ञात करते हैं तो कितना आएगा, 60 माइनस 30 बोले तो 30 डिग्री आएगा। समझ पाए? अब देखिएगा त्रिभुज कौन से त्रिभुज में, ए डी सी त्रिभुज में, त्रिभुज ए डी सी में कोण ए बराबर हो गया कोण सी के, तो मैं बोल सकता हूँ त्रिभुज ए डी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। और समद्विबाहु त्रिभुज है तो इसकी दो भुजाएं बराबर होंगी, देखिए 30 डिग्री अब हमने ज्ञात कर लिया, तो मैं बोल सकता हूँ क्या कि ए डी भुजा है ना वो बराबर होगी डी सी के, तो ए डी बराबर डी सी तो है ना अपने पास, कितना है 40 मीटर, ये लो 40 मीटर। अब देखिएगा अब त्रिभुज ए बी डी में आ जाइए आप, त्रिभुज ए बी डी में आपको पता है कोण बी कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का, समकोण त्रिभुज है, कोण डी बराबर कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का। तो अब 60 डिग्री के लिए देखिएगा ए डी अपने को ज्ञात हो गया 40 है, ये 40 है, तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा ये करण हो गई ना ए डी, तो ये करण अपने को दिया गया है और अपने को देखिए 60 डिग्री के लिए ये लंब हो गया, ए बी अपने को ज्ञात करना है, तो 60 डिग्री के लिए ये भुजा क्या हो गई, लंब, 60 डिग्री के सामने वाली भुजा, तो करण दिया गया है, लंब ज्ञात करना है बेटा। करण और लंब कौन से त्रिकोणमितीय अनुपात में आएगा, साइन में आ रहा है तो मैं साइन वाला फॉर्मूला लगा देता हूँ, लिख दूंगा साइन 60 बराबर लंब बट्टा करण, तो लंब कितना है h, करण कितना है 40। अब देखिएगा साइन 60 का मान कितना होगा, साइन 60 का मान होगा रूट 3 बट्टा 2 बराबर h बट्टा 40। ये बात आपको समझ में आई? अब क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा, 2h बराबर 40 की रूट 3 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 40 रूट 3, तो h बराबर क्या आएगा 40 रूट 3 अपॉन 2, तो h बराबर देखिए 40 में 2 का भाग देंगे कितना आ जाएगा 20 रूट 3 मीटर। ये किसकी ऊंचाई है, मीनार की ऊंचाई है, अपना आंसर लिख देंगे मीनार की ऊंचाई इतनी है 20 रूट 3, लेकिन ये 20 रूट 3 आंसर बुक में आप देखोगे तो आपको आंसर नहीं मिलेगा। इसको थोड़ा और सरल किया, तो और सरल करने का तरीका क्या है, h बराबर देखिएगा 20 गुणा रूट 3 का मान लिखना है, रूट 3 का मान होता है बेटा 1.732, ये मान होता है रखिएगा 1.732। अब देखिएगा h बराबर, अब मल्टीप्लाई करेंगे तो डायरेक्ट मेंटली कैलकुलेट करेंगे, 20 गुणा 1.732 है तो मैं इसको लिख दूंगा 2 गुणा 17.32 मौखिक,
अब दो की गुणा करनी है 17.32 से, तो डबल कर दूंगा, 17 का डबल हो जाएगा 34, 32 का डबल हो जाएगा 64, कितना हो जाएगा 34.64 आंसर हो जाएगा। अब देखिएगा मैंने कैसे किया, 20 को लिख दिया 2 × 10, लिखा नहीं समझ लिया, इंटू 1.732। अब देखिएगा 10 की गुणा करेंगे तो दशमलव एक अंक पीछे खिसक जाएगा, तो h बराबर क्या आ जाएगा 2 × 17.32। अब 2 से गुणा करनी है, 2 से गुणा करने का मतलब डबल करना, तो 17 का डबल कर दो, 32 का डबल कर दो, तो h बराबर कितना आ जाएगा, 17 का डबल 34, 32 का डबल 64, दो अंकों पे दशमलव है मीटर, ये अपना आंसर हो जाएगा, बुक में ये आंसर है। समझ पाए मेरी बात को आप? अब देखिएगा स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट इसका, आगे वाला क्वेश्चन स्टार्ट करें। अब देखिएगा एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 17। देखिए 17 का क्वेश्चन मैं लिखता हूं, सत्रह का क्वेश्चन है, समुद्र तल से साठ मीटर ऊंचे लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण तीस डिग्री व 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज, दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो, तो जहाजों के मध्य दूरी ज्ञात करो, ये क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बिल्कुल सिंपल ही क्वेश्चन है। देखिएगा सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ के बेटा डायग्राम बनाएंगे, तो क्वेश्चन पढ़िए क्या है, समुद्र तल से 60 मीटर ऊंचे, मान लो ये समुद्र का तल है, ओके, इस समुद्र तल से 60 मीटर ऊंचे लाइट हाउस, इस तल से 60 मीटर ऊंचाई का एक लाइट हाउस है, ओके, लाइट हाउस नाम दे दिया ए बी, इस लाइट हाउस के शिखर से यहां से देखेंगे तो हम एक क्षैतिज रेखा खींचेंगे। सबसे पहले हमने यहां से एक क्षैतिज रेखा खींच ली, क्षैतिज रेखा बोले तो जमीन के समांतर रेखा खींच ली, दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण, यहां से देखने पर दो समुद्री जहाज है, मान लो एक समुद्री जहाज यहां है, दूसरा समुद्री जहाज यहां है, दोनों जहाज यहां, एक यहां है एक यहां है, नाम दे दिया एक सी बिंदु पर है एक डी बिंदु पर है, इन समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री हैं। ये जो जहाज है इसका अवनमन कोण कितना दिया है अपने को, 30 डिग्री अवनमन कोण दिया है, तो अवनमन कोण बेटा क्षैतिज रेखा से नीचे की तरफ बनेगा, तो ये वाला कोण दिया है अपने को 30 डिग्री, ओके। अब मैं आपको बोल सकता हूँ इस कोण की बात करते हैं एक बार, ये दोनों समांतर है ना रेखाएं, ये वाली हमने खींची है क्षैतिज रेखा,
ये है ही, इन दोनों को ये तिर्यक रेखा काट रही है, तो एकांतर कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ये अवनमन कोण था, इसको हम ऊनियन कोण में चेंज कर लेते हैं। कितने डिग्री का हो गया कोण सी, 30 डिग्री का। दो समांतर रेखाएं हैं और दोनों समांतर रेखाओं को जब तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर कोण क्या होते हैं, बराबर। जेड की स्थिति में जो कोण बनते हैं वो बराबर होते हैं। तो देखिए जेड की स्थिति में कोण बने हैं, ये वाला कोण बराबर हो गए। फिर बोल रहा है दूसरा जो जहाज है इसका अवनमन कोण कितना है, दूसरा जो जहाज है इसका अवनमन कोण बताया बेटा 45 डिग्री। तो ये 45 डिग्री है तो ये भी कितने का होगा, 45 का। अवनमन कोण बताया तो देखिए ये दो समांतर रेखाएं इनको ये तिर्यक रेखा काट रही है तो ये कोण बराबर हो जाएंगे, ये 45 का, तो ये भी कितने का हो जाएगा, 45 का। अब ये अवनमन कोण है, इनसे अपने को कोई लेना देना नहीं है, हमने इन अवनमन कोणों को ऊनियन कोणों में बदल लिया, ओके। अब बोल रहा है यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के पीछे हो, देखिएगा लाइट हाउस ये है, इसके एक ही तरफ, दूसरी तरफ नहीं एक ही तरफ हैं दोनों जहाज, तो जहाजों के मध्य दूरी ज्ञात करो। एक जहाज सी बिंदु पर है, एक जहाज डी बिंदु पर है, दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। मान लो ये दूरी कितनी है, एक्स मीटर मान लेते हैं, दोनों जहाजों के मध्य दूरी कितनी है, एक्स मीटर लिख देंगे। माना दोनों जहाजों के बीच की दूरी बराबर एक्स मीटर है, अपने को एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, ओके। अब देखिएगा डी से लेकर के बी तक, इसे नहीं मानते हैं, चलो डी बी रख लेते हैं, और ये ए डी हो गया। अब ये ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, देखिए हमने डायग्राम बनाए, इनमें अपने को समकोण त्रिभुज सेलेक्ट करने हैं। अब समकोण त्रिभुज कितने हैं इसमें, बी एंगल है ये 90 डिग्री का है, एक समकोण त्रिभुज तो है ए बी डी, ओके। दूसरा समकोण त्रिभुज है ए बी सी, ये बड़े वाला। तो सबसे पहले हम बात करते हैं त्रिभुज ए बी डी में, कौन से त्रिभुज में, ए बी डी त्रिभुज में। ये एंगल दिया गया तो इसके सामने वाली भुजा ये क्या होगी, लंब, और ये आधार है। करण से अपने को कोई लेना देना नहीं है क्योंकि ये दूरी अपने से पूछी है, आधार से मतलब है, 45 डिग्री का कोण है तो इसके सामने वाली भुजा ये लंब है, इस लंब से मतलब रखेंगे क्योंकि दोनों त्रिभुजों में ये भुजा क्या आ रही है, उभयनिष्ठ आ रही है, ओके। तो इस ए बी डी त्रिभुज में देखिएगा कोण बी बराबर कितने डिग्री का है बेटा, 90 डिग्री का, और कोण डी बराबर कितने का है, 45 डिग्री का, ठीक है। तो अब देखिएगा ये लंब है, ये आधार है डी बी, तो लंब और आधार किस में आता है, टेन में, तो लिखेंगे टेन 45 डिग्री बराबर, इस त्रिभुज की बात हो रही है, लंब बट्टा आधार, तो लंब है ए बी बट्टा आधार, आधार क्या है, डी बी। समझ पाए मेरी बात को, लंब है ए बी, आधार क्या है, डी बी। टेन 45 का मान कितना होता है, एक, तो एक बराबर लिख देंगे ए बी बट्टा डी बी, और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे वन के नीचे वन लगा के, तो क्या आएगा, ए बी है ना वो बराबर आएगी किसके, डी बी के। ए बी भुजा और डी बी भुजा इस त्रिभुज में दोनों आपस में क्या है, बराबर हैं। अब सुनिएगा, अब बड़े वाला त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज ए बी सी, ये वाला त्रिभुज ए बी सी में आप देख रहे हैं बी कोण कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है, उसके बाद में कोण सी बराबर कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का। फिर देखिएगा इस ए बी सी त्रिभुज में 30 डिग्री के सामने वाली भुजा ये तो लंबी रहेगा, ये क्या है, आधार बी से लेकर के सी तक, ये बी सी आधार है। अब बी सी है कितना, एक्स तो ये रहा सी से डी तक, डी से बी, तो टोटल हो गया ये एक्स प्लस डी बी लिख सकते हैं, बी सी बराबर क्या होगा, एक्स प्लस डी बी, एक्स प्लस डी बी, ये बी सी आ गया अपने पास, ये आधार हो गया, ये लंब है, तो लंब और आधार किस में होता है बेटा, टेन में, तो लिखेंगे टेन 30 इस त्रिभुज में, टेन 30 बराबर लंब बट्टा आधार, तो लंब है ए बी बट्टा आधार क्या है, आधार है एक्स प्लस डी बी, बी सी है आधार वैसे तो, लेकिन बी सी को आप क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस डी बी। टेन 30 डिग्री का मान लिखेंगे तो टेन 30 डिग्री का मान होता है बेटा 1/√3 बराबर
ए बी अपॉन एक्स प्लस डी बी। अब ए बी रियल में किसके बराबर है? ए बी रियल में देखिए हमने कहीं लिखा है ए बी रियल में डी बी के बराबर है, तो इस ए बी की जगह क्या लिखा जा सकता है? डी बी। तो वन बाई रूट थ्री इज इक्वल, ए बी की जगह लिख दिया मैंने डी बी, क्योंकि हम पहले सिद्ध कर चुके हैं ये बात कि ए बी डी बी के बराबर है, अपोन में कितना आ जाएगा एक्स प्लस डी बी। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, एक्स प्लस डी बी की वन से गुणा करेंगे तो क्या आएगा एक्स प्लस डी बी बराबर डी बी की रूट थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट थ्री इंटू क्या आ जाएगा डी बी। अब इस डी बी का पक्षांतरण कर दो तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा रूट थ्री डी बी माइनस डी बी। अब डी बी का मान होगा कहीं क्वेश्चन में अपने पास, देखिए समुद्र तल से 60 मीटर ऊंचे लाइट हाउस, इसकी ऊंचाई कितनी है 60 मीटर, तो ए बी की ऊंचाई 60 मीटर है तो डी बी की ऊंचाई भी कितनी होगी 60 मीटर ही होगी, तो इस डी बी का मान लिख देते हैं तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा रूट तीन इंटू, देखिए ए बी की लंबाई दी है अपने को क्वेश्चन में 60 मीटर है, तो ए बी जब 60 है तो ए बी किसके बराबर है डी बी के बराबर, तो डी बी भी कितनी होगी 60। ठीक है, तो ये डी बी का मान लिख दो यहाँ 60 माइनस 60, तो एक्स बराबर देखिएगा दोनों से 60 कॉमन आ रहा है, 60 कॉमन ले लिया, क्या बचेगा रूट तीन माइनस एक मीटर। यहाँ आप आंसर छोड़ सकते हैं, तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा एक्स बराबर आ गया 60 इंटू रूट तीन माइनस एक मीटर, ये आपका क्या हो गया आंसर। समझ पाए मेरी बात को? हो सकता है बुक में ये आंसर आपको ना मिले तो आप एक काम कर लेना, क्या काम करना है रूट तीन का मान लिखना है आपको, जैसे ही आप रूट तीन का मान लिखेंगे आपको आंसर मिल जाएगा। चलो थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कैलकुलेशन, एक्स बराबर 60 इंटू रूट तीन की जगह मान लिखा 1.73 और इससे माइनस एक करेंगे, फिर तो 1.73 से एक हटाओगे 0.73 बचेगा, तो x बराबर आ जाएगा 60 गुणा 0.73। अब 60 से गुणा करने से पहले 10 की गुणा कर दो आप इसमें, तो x बराबर हो जाएगा 6 गुणा 7.3। अब आपको एक काम करना है, क्या 6 की गुणा करनी है तो 6 की गुणा पहले 7 से कर लो 42, अब 6 की गुणा आप 7 से करेंगे तो वो 42 लिख लिया हमने, 0.3 से करेंगे तो पॉइंट को भूल जाइए एक बार, 6 की गुणा आप 3 से करिएगा 18 आएगा, एक अंक पे दशमलव लगाएंगे तो 1.8 आएगा, जोड़ेंगे तो 43 पॉइंट कितना हो जाएगा 8, तो x बराबर आ जाएगा 43.8 मीटर। दोनों जहाजों के बीच की दूरी कितनी है बेटा 43.8 मीटर, ये आपका आंसर है। समझ पाए मेरी बात? अब देखिएगा एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 18, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप पहले। अब देखिएगा 18 का क्वेश्चन, अट्ठारह का क्वेश्चन देखिए बेटा, लिखता हूं पहले मैं, एक पॉइंट पांच मीटर लंबा, एक पॉइंट पांच मीटर लंबा एक लड़का तीस मीटर ऊंचे तीस मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है, जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है त
तब उसकी आंख से भवन के शिखर का मैं क्वेश्चन इसलिए लिख रहा हूं कि सामने क्वेश्चन रहे फिर डायग्राम बनाए तो आपके आसानी से समझ में आ जाए। भवन के शिखर का उन्नयन कोण तीस डिग्री से साठ डिग्री हो जाता है। बताइए वह भवन की ओर कितनी दूर चलकर गया? इससे पहले हमने 17 का क्वेश्चन किया था, सेम वैसा ही क्वेश्चन है। देखिएगा, सबसे पहले बेटा हम डायग्राम बनाएंगे इसका। अगले ने बोला 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। ये जमीन है, मान लो इस जमीन पर ये एक 30 मीटर ऊंचा भवन है। नाम देते हैं भवन को ए बी। इस भवन की ऊंचाई कितनी है? यहां से लेकर के यहां तक ये ऊंचाई अपने को बताई है 30 मीटर। ओके, अब बोल रहा है 1.5 मीटर लंबा लड़का है ना, वो इस 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। ये भवन है 30 मीटर ऊंचाई का, इससे कुछ दूरी पर एक लड़का खड़ा है, मान लो यहां ये एक लड़का है। नाम दे देते हैं लड़के का सीडी। ये सीडी लड़का है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से, जब ये लड़का यहां से चल के भवन की तरफ जाता है ना, तो इस लड़के की आंख से भवन के शिखर का, इस शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। जब ये लड़का इस भवन की तरफ जाएगा तो चलिए मान लो ये लड़का यहां से चल के यहां पहुंच गया बिंदु ए पर। कितना चल के आया? मान लो एक्स मीटर चल के आया है यहां तक। तो क्या हुआ, लड़का यहां पहुंच गया। आप इस लड़के की आंख से यूनियन कोण 30 डिग्री था, पहले यहां था तब यूनियन कोण कितना था 30 डिग्री, अब कितना हो गया 60 डिग्री। आंख से बता रहा है तो यहां है इसकी आंख, तो यहां से हम एक क्षैतिज रेखा खींचेंगे। ये लो, हमने एक क्षैतिज रेखा खींच ली जमीन के समांतर। अब देखिएगा यहां से यूनियन कोण कितना है, क्वेश्चन में बताया यहां से यूनियन कोण है वो 30 डिग्री का है, और जब यहां पहुंच जाता है तो यूनियन कोण हो जाता है बेटा 60 डिग्री। ओके, इसको भी नाम दे देते हैं ई, इसे नाम दे दिया बिंदु एफ और इसे नाम दे दिया बिंदु जी। अब ये डायग्राम बन गया। अब देखिएगा लड़के की लंबाई कितनी बताई, 1.5। यहां से लेकर के यहां तक ये लंबाई कितनी है, 1.5 मीटर। तो ये 1.5 है तो ये भी 1.5, ये लड़का ही तो है, और ये भी कितनी होगी 1.5। तो बीजी भी कितनी है, सेमी होगी। मैं लिख सकता हूं सी डी बराबर बीजी, तो बीजी बराबर कितना हो गया 1.5 मीटर। ये अब देखिएगा इसमें समकोण त्रिभुज देखने हैं। ये 90 डिग्री का एंगल है क्योंकि हमने एक क्षैतिज रेखा खींच ली है, तो ये कोण 90 डिग्री का है, तो इसमें समकोण त्रिभुज सेलेक्ट कीजिएगा। समकोण त्रिभुज जब आप सेलेक्ट करेंगे तो देखिए एक समकोण त्रिभुज तो आ रहा है ए जी एफ। ओके, एक समकोण त्रिभुज है ए जी सी, ये वाला बड़े वाला। अब बात इन त्रिभुजों पे आ गई है, समकोण त्रिभुजों पे, तो देखिएगा इस नीचे वाले का तो लफड़ा ही खत्म करते हैं। ये 1.5 मीटर, ये भी 1.5 मीटर, तो ए जी कितना होगा टोटल, देखिए ए से लेकर के बी तक कितना है 30 मीटर, तो ए से लेकर के जी तक कितना होगा बेटा 1.5 हटा दो इससे, कितना आ जाएगा 28.5। ए से लेकर के जी तक की दूरी कितनी है 28.5 मीटर है। लिख देंगे ए जी बराबर कितनी होगी 30 माइनस 1.5 बोले तो 28.5 मीटर। ये किसकी लंबाई है, ए से लेकर के जी तक की लंबाई है। अब देखिएगा डी ई कितना माना है हमने, एक्स।
डी ई बराबर कितना है एक्स मीटर, तो सी एफ भी कितना होगा एक्स, क्योंकि ये दोनों समांतर हैं। देखिएगा ये 1.5 मीटर लंबा, ये भी लंबाई 1.5 मीटर ही है, तो ये एक्स है तो ये भी कितना होगा एक्स, तो सी एफ बराबर लिख देंगे एक्स मीटर। सी एफ भी एक्स ही है तो ये एक्स हो गया। आप मतलब नीचे वाला जो डायग्राम है इसको ख़त्म कर रहे हैं, ऊपर जो समकोण त्रिभुज बन रहे हैं हम इन पे काम करना चाहते हैं। ये एक्स हो गया यहाँ से यहाँ तक। अब देखिएगा एफ जी हम ज्ञात कर लेते हैं कौन से त्रिभुज से, त्रिभुज ए जी एफ में आप देख रहे हो, त्रिभुज ए जी एफ में, ए जी एफ त्रिभुज में कोण जी बराबर कितने डिग्री का है बेटा, 90 डिग्री का। अब देखिए 60 डिग्री के सामने वाली भुजा ये लंब है और एफ जी आधार हो गया। एफ जी क्या है आधार, तो लंब दिया गया है आधार ज्ञात कर सकते हैं। लंब और आधार किस में आता है, टेन में, तो आप टेन वाला फॉर्मूला लगा देंगे, लिखेंगे टेन एंगल कितने डिग्री का है 60 डिग्री का, टेन 60 बराबर लंब बट्टा आधार, तो लंब है 28.5 बट्टा आधार कितना है एफ जी या जी एफ, टेन 60 का मान रूट तीन बराबर 28.5 बट्टा जी एफ, रूट तीन के नीचे एक लगाओ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो रूट तीन जी एफ बराबर आएगा 28.5 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो। अब जी एफ का मान आएगा, जी एफ बराबर रूट तीन है ना गुणा में, तो रूट तीन का भाग दे दो दूसरी तरफ, कितना आ जाएगा बेटा 28.5 बट्टा रूट तीन मीटर। आप चाहें तो रूट तीन की अंश और हर में गुणा कर सकते हैं, तो जी एफ बराबर देखिएगा क्या आएगा 28.5 गुणा रूट तीन बट्टा रूट तीन की गुणा रूट तीन से करेंगे कितना आ जाएगा 3, भाग मत दीजिए एक बार यहीं छोड़ दीजिए, ये जी एफ आ गए। अब देखिएगा अब बड़े वाला त्रिभुज ले लो, त्रिभुज ए जी सी में, त्रिभुज ए जी सी में आपको पता है कोण जी बराबर 90 डिग्री का है, कोण सी बराबर 30 डिग्री का है, तो इस त्रिभुज में देखिए बड़े वाले में 30 डिग्री के सामने वाली भुजा लंब 28.5 ही रहेगा, सी जी क्या बन जाएगा आधार। अब सी जी किसके बराबर होगा, सी एफ प्लस एफ जी, तो ये तो x है, सी जी बराबर मैं लिख दूंगा x प्लस एफ जी कितना आया है, एफ जी आया है 28.5 रूट तीन बट्टा तीन, इन दोनों के योग के बराबर होगा सी जी, इसके और इसके। अब देखिएगा ये आधार है ये लंब है, तो आधार में ही है ना x, ये अपने को ज्ञात करना है, तो आप क्या लिखेंगे 30 डिग्री के लिए लंब और आधार में संबंध टेन में होता है, तो टेन 30 बराबर लिखेंगे लंब बट्टा आधार, लंब कितना है 28.5 बट्टा आधार, आधार देखिएगा कितना है x प्लस 28.5 रूट तीन बट्टा में कितना है 3, टेन 30 का मान देखिएगा कितना होता है 1 बट्टा रूट तीन बराबर 28.5 अपोन में कितना आ जाएगा x प्लस 28.5 रूट तीन अपोन में 3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा, ये जो हर में जो मान है इसकी गुणा हम एक से करेंगे, कोई फ़र्क पड़ेगा इस पे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो लिखेंगे x प्लस 28.5 रूट तीन बट्टा तीन बराबर 28.5 की किससे गुणा करेंगे रूट तीन से, तो आ जाएगा 28.5 रूट तीन, समझ पाइए इतनी बात। अब x का मान निकालना है तो इसका पक्षांतरण कर देंगे दूसरी तरफ, उधर क्या है 28.5 रूट तीन और माइनस में क्या आ जाएगा 28.5 रूट तीन अपोन में कितना आ गया बेटा 3। अब इन दोनों से कुछ कॉमन आ रहा है, इन दोनों से क्या कॉमन आ रहा है 28.5 रूट तीन, यहाँ भी 28.5 रूट तीन कॉमन आ जाएगा, कैलकुलेशन सिंपल हो जाएगी अगर ऐसे करेंगे तो। x बराबर 28.5 रूट तीन हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचेगा 1 माइनस यहाँ बचेगा 1/3। अब देखिएगा x बराबर 28.5 रूट तीन इंटू 1 माइनस 1/3, सरल करेंगे तो कितना आएगा 2/3। अब देखिएगा x बराबर, इसको सरल करते हैं, 28.5 रूट तीन की 2 से गुणा कर लेते हैं, मतलब इसका डबल कर देते हैं, 28.5 का डबल करेंगे, कैसे करेंगे 28 का डबल 56, 5.5 का डबल 1, 56 और 1 कितना हो गया 57, तो 57 रूट तीन अपोन में कितना आ गया 3 और 3 का भाग 57 में देंगे तो आ जाएगा 19 रूट तीन, ऐसा ऐसा रहेगा रूट तीन मीटर।
तो एक्स का मान आया 19√3 मीटर। हम लिख देंगे वो लड़का भवन की ओर कितनी दूर चलकर गया, एक्स मीटर ही चलकर गया था और एक्स का मान हमने निकाल लिया, कितना आया 19√3। तो लिख देंगे लड़का भवन की ओर उन्नीस रूट तीन मीटर चलकर गया। आशा करता हूँ क्वेश्चन समझ में आया होगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फिर से देखिएगा, लीजिए फटाफट स्क्रीनशॉट इसका। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आगे आने वाले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।